दोस्तों आज हम निकलेंगे आपके सेल्फ कंट्रोल को मजबूत बनाने के मिशन पर, जिसके लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सेल्फ कंट्रोल क्या है और हमारी जिंदगी में इसकी अहमियत क्या है। तो सीधे शब्दों में कहूँ तो ये वो ताकत है जो हमें अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाना सिखाती है। ये वो ताकत है जो हमें अपने गोल से भटकने नहीं देती। मान लीजिए आप जिम जाने का प्लान बनाते हैं, पर वो आरामदेह सोफा आपको खींच लेता है, या फिर आप डेडलाइन से पहले काम करना चाहते हैं, पर फोन की स्क्रीन का जादू पीछा ही नहीं छोड़ता। ये वो कमजोर पल हैं जहां सेल्फ कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। आपको ये जानकर शायद खुशी होगी कि मैं भी इस सेल्फ कंट्रोल के रास्ते पर चलने वाला एक शख्स हूँ। कभी मैं उन चीजों के पीछे भागता था जो मुझे असल में चाहिए ही नहीं। कभी मैं भी पल भर के सुख के लिए अपने गोल से भटक जाता था। पर फिर एक दिन मैंने ठान ली कि ये सब बदलना है, और यही वो सफर है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो पूरा हो पाया बाइट द बुलेट पढ़ने के बाद, जिसमें मैंने जाना, पहला, हमारे सेल्फ कंट्रोल को कमजोर करने वाली आदतों के बारे में, यानी वो कौन सी आदतें हैं जो हमें रास्ते से भटका देती हैं। दूसरा, इच्छा शक्ति यानी विल पावर बढ़ाने के टिप्स, और तीसरा, कैसे सेल्फ कंट्रोल के सहारे से अपने गोल को अचीव किया जाए। तो दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं ये सफर जो आपकी जिंदगी बदलने वाला है। सोचिए, अगर हमारे पास चीजों को ना कहने की ताकत ना हो, हर पल के लालच में फंस जाएं, तो जिंदगी कैसी होगी। मान लीजिए आप हेल्दी खाने का गोल सेट करते हैं, पर सामने केक का टुकड़ा आपको अपनी तरफ खींच लेता है, या फिर आप पैसा बचाने की कोशिश में हैं, हर पल नई सेल का पोस्टर आपकी जेब हल्की कर देता है। ये वो छोटे छोटे फैसले हैं जहां सेल्फ कंट्रोल का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेल्फ कंट्रोल न सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ को बेटर करता है, बल्कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी सफलता के ताले की चाबी की तरह है। इमेजिन कीजिए, आप गुस्से में किसी से कुछ कह देते हैं जिसका बाद में आपको पछतावा होता है, या फिर देर रात तक टीवी देखने के कारण आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती और अगले दिन आप काम पर थका हुआ महसूस करते हैं। ये सब वो सिचुएशंस हैं जहां सेल्फ कंट्रोल की कमी हमें नुकसान पहुंचाती है। वहीं दूसरी तरफ सेल्फ कंट्रोल हमें अच्छी आदतें अपनाने, रिश्तों को मजबूत बनाने और मानसिक शांति पाने में मदद करता है। इसी तरह ऑफिस में भी सेल्फ कंट्रोल की अहमियत कम नहीं है। अगर आप मीटिंग के दौरान फोन का इस्तेमाल करते हैं या डेडलाइन से पहले काम पूरा नहीं कर पाते, तो यह आपकी प्रोफेशनल इमेज को खराब कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ सेल्फ कंट्रोल आपको फोकस्ड रहने, समय का सही मैनेजमेंट करने और गोल को अचीव करने में मदद करता है। आप सोच सकते हैं कि ये तो सब ठीक है, पर सेल्फ कंट्रोल ना हो तो जिंदगी कैसी होगी। तो जवाब है, बहुत मुश्किल। बिना सेल्फ कंट्रोल के हम अक्सर ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है, जैसे कि ज्यादा खाने से सेहत बिगड़ सकती है, फालतू खर्च करने से आर्थिक परेशानी हो सकती है, और गुस्से में लिए गए फैसले रिश्तों में दरार डाल सकते हैं। इसे समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए राहुल एक एम्बिशियस राइटर है। उनका सपना है कि वो एक बेहतरीन नॉवल लिखें, पर वो सोशल मीडिया पर घंटों समय बिता देते हैं, जिससे उनका लिखने का समय कम हो जाता है, या फिर देर रात तक पार्टीज में जाते हैं जिससे उन्हें अगले दिन लिखने की फुर्सत नहीं मिलती। ये वो सिचुएशन है जहां राहुल को अपने सेल्फ कंट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें सोशल मीडिया के इस्तेमाल को कम करना होगा और देर रात की पार्टियों को ना कहना सीखना होगा, तभी वो अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था सेल्फ कंट्रोल की इम्पोर्टेंस को समझने का तरीका। अब आइए जानते हैं टिप्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल के बारे में। दोस्तों सेल्फ कंट्रोल एक अकेला वॉरियर नहीं है, बल्कि कई तरह की ताकतों का मिक्सचर है। तो चलिए जानते हैं इसके अलग अलग फॉर्म्स के बारे में। सबसे पहले है इम्पल्स कंट्रोल। ये वो ताकत है जो हमें बिना सोचे समझे कोई फैसला लेने से रोकती है। मान लीजिए आप शॉपिंग पर हैं और हर चमकती चीज को खरीदना चाहते हैं, या फिर आप गुस्से में किसी को कुछ बोल देना चाहते हैं। ये वो सिचुएशन है जहां इम्पल्स कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। दूसरा है इमोशनल कंट्रोल। ये वो ताकत है जो हमें अपने गुस्से, उदासी या किसी भी तरह के मजबूत एहसासों को काबू में रखना सिखाती है। एग्जाम्पल के तौर पे, ऑफिस में बॉस की डांट के बाद भी आप शांत रह पाते हैं, या किसी लव्ड वन के खोने के बाद भी आप हिम्मत नहीं हारते। ये इमोशनल कंट्रोल की ताकत है। तीसरा है मूवमेंट कंट्रोल। ये वो ताकत है जो हमें अपनी हरकतों पर काबू करना सिखाती है। जैसे कि आप ध्यान लगाकर कोई काम कर रहे हैं और बार बार उठकर घूमने की इच्छा को दबा लेते हैं, या फिर आप किसी शांत जगह पर बैठे हैं और बेचैनी के बावजूद एक जगह टिके रहते हैं,
अगला है कॉन्सेंट्रेशन कंट्रोल। ये वो ताकत है जो हमें किसी एक काम पर अपना पूरा फोकस करने में मदद करती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी किताब को पढ़ रहे हैं और आसपास की आवाजों को नजरअंदाज कर पाते हैं, या फिर आप कोई मुश्किल काम कर रहे हैं और बीच में किसी भी चीज से अपना ध्यान नहीं हटने देते। ये कॉन्सेंट्रेशन कंट्रोल की ताकत है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सभी तरह के सेल्फ कंट्रोल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे इम्पल्स कंट्रोल हमें जरूरत से ज्यादा खाने से रोकता है और फिजूल खर्ची से बचाता है। इमोशनल कंट्रोल हमें रिश्तों को संभालने में मदद करता है और स्ट्रेस को कम करता है। एक्टिविटी कंट्रोल हमें किसी भी काम को सही ढंग से करने में मदद करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। कॉन्सेंट्रेशन कंट्रोल हमारी सीखने की क्षमता को बढ़ाता है और किसी भी लक्ष्य को पाने में सहायता देता है। तो इस तरह से हमने जाना कि कैसे सेल्फ कंट्रोल कई तरह की ताकतों का मिक्सचर है। आइए अब जानते हैं कि इससे कैसे टेम्पटेशन को बीट करके इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मिल सकता है। सेल्फ कंट्रोल के कई फॉर्म्स और बेनिफिट्स के बारे में हमने जाना, लेकिन इस रास्ते में एक बड़ी रुकावट है और वो है इंस्टेंट हैप्पीनेस की चाहत। आपको ये शब्द जरूर जाना पहचाना लगेगा। ये इंस्टेंट हैप्पीनेस वो चीज है जो हमें आसान और आकर्षक लगती है, पर हमें असल में दूर ले जाती है हमारे गोल से। मान लीजिए आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सामने रखा हुआ केक का टुकड़ा आपको ललचाता है, या फिर आप काम में व्यस्त हैं पर फोन की लगातार आने वाली नोटिफिकेशन आपका ध्यान भंग कर देती है। ये सब इंस्टेंट हैप्पीनेस के ही जाल हैं। इंस्टेंट हैप्पीनेस की समस्या ये है कि ये हमें चीजों को फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस के नजरिए से देखने से रोकती है। हम सिर्फ सामने के फायदे को देखते हैं और फ्यूचर के बड़े टारगेट को भूल जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इंस्टेंट हैप्पीनेस की चाहत को कैसे डिफीट करें। इसके लिए कुछ खास स्ट्रेटजीज हमारी मदद कर सकती हैं। सबसे पहला, रिमेम्बर योर गोल। किसी भी लालच के सामने फंसने से पहले अपने गोल को याद करें। खुद को ये सवाल पूछें, क्या ये चीज मुझे मेरे गोल के करीब ले जाती है या दूर। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। इंस्टेंट हैप्पीनेस भले ही अट्रैक्टिव लगे, पर इसके नुकसान ज्यादा होते हैं। वहीं थोड़ा पेशेंस रखकर आप वो चीजें हासिल कर सकते हैं जो लंबे समय में फायदेमंद साबित होंगी। लुक फॉर alternatives। कई बार तत्काल खुशी की वस्तु की जगह कोई और चीज भी हमें खुशी दे सकती है। मान लीजिए आप केक खाने के बजाय हेल्दी स्नैक्स खा सकते हैं, या फिर फोन की नोटिफिकेशन बंद करके काम पर पूरा ध्यान लगा सकते हैं। फिर आता है लर्न द आर्ट ऑफ सेल्फ टॉक। अपने दिमाग से होने वाली बातचीत पर ध्यान दें। जब भी कोई लालच आपको फुसलाए तो खुद से पॉजिटिव बातें करें और अपने लक्ष्य को याद दिलाएं। देन मेनस्ट्रीम पेशेंस एंड प्रिजर्वरेंस। सेल्फ कंट्रोल मजबूत बनाने में एक रात नहीं लगती। इसके लिए लगातार प्रैक्टिस और पेशेंस की जरूरत होती है। इसलिए हर छोटी चीज का जश्न मनाइए और हार मानने के बजाय वापसी करके दोबारा लड़िए। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से आप इंस्टेंट हैप्पीनेस की चाहत को हरा सकते हैं और अपने गोल को पाने के लिए सेल्फ कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब समझते हैं सेल्फ डिसिप्लिन एंड विल पावर बढ़ाने के तरीके। दोस्तों, क्या आपको सेल्फ कंट्रोल और विल पावर में फर्क पता है? चलिए मैं बताता हूं। सेल्फ कंट्रोल, ये वो ताकत है जो हमें किसी भी पल उठने वाले लालच को काबू करने में मदद करती है, और विल पावर वो ताकत है जो हमें किसी भी गोल को पाने के लिए लंबे समय तक मेहनत करने के लिए इंस्पायर करती है। आप समझ लीजिए कि ये पेशेंस और कंटिन्यूटी का दूसरा नाम है। सीधे शब्दों में कहें तो सेल्फ कंट्रोल वो ढाल है जो हमें कमजोर पलों में बचाती है, वहीं विल पावर वो तलवार है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाती है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी विल पावर को कैसे मजबूत बना सकते हैं। इसके लिए कुछ खास टेक्निक्स हमारे मदद कर सकती हैं, जैसे सेट स्मॉल गोल्स। कोई भी बड़ा गोल छोटे छोटे लक्ष्यों से मिलकर बना होता है, इसीलिए शुरुआत में छोटे और अचीव करने लायक गोल सेट करने चाहिए, क्योंकि हर छोटी जीत आपकी विल पावर को मजबूत करेगी। दूसरी टेक्निक है ट्रैक योर प्रोग्रेस। हर रोज या हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करिए। ये आपको ये बताएगा कि आप कितनी दूर आ चुके हैं और आपको आगे कितना रास्ता तय करना है। फिर अगला है सेल्फ रिवॉर्ड। जब भी आप कोई गोल अचीव कर लेते हैं तो खुद को रिवॉर्ड दीजिए। यह आपकी विल पावर को बनाए रखने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके थे जिनकी मदद से आप अपनी विल पावर को मजबूत बना सकते हैं। अब जानते हैं कि हम किन रोजमर्रा की आदतों को अपनाकर अपने सेल्फ कंट्रोल को मजबूत बना सकते हैं। ये कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें रोज अपनाकर आप अपने सेल्फ कंट्रोल को मजबूत बना सकते हैं।
तो आइए अब करते हैं सेल्फ साबोटाज को डिफीट। दोस्तों, कभी कभी हम खुद ही अपने सेल्फ कंट्रोल के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन कैसे, चलिए बताता हूं आपको। ये वो चीज है जो हम अनजाने में करते हैं और जो हमारे गोल और सक्सेस में रुकावट डालती है। मान लीजिए आपने जिम जाने का पक्का इरादा किया है, पर हर सुबह आप थोड़ी देर और सोने का बहाना बना लेते हैं, या फिर आप एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं पर बार बार सोशल मीडिया चेक करने लगते हैं। ये सब आत्म विनाश के ही एग्जाम्पल हैं। दोस्तों, ये सेल्फ साबोटाज यानी आत्म विनाश कई फॉर्म्स में हमारे सामने आ सकता है, जैसे कि टाल मटोल करने की आदत, जरूरी कामों को टालना और उन्हें बाद के लिए छोड़ देना, नेगेटिव सोचना, खुद पर और अपनी क्षमताओं पर शक करना, आत्मदोष यानी सेल्फ ब्लेम, हर असफलता के लिए खुद को ही जिम्मेदार ठहराना, परफेक्शनिज्म, हर चीज को बिल्कुल सही करने की कोशिश करना और छोटी छोटी गलतियों के डर से काम ना करना। ये सारी आदतें हमें अंदर ही अंदर कमजोर बना देती हैं और हमारे सेल्फ कंट्रोल को कम करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम खुद को आत्म विनाश से कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए बुक में बताई गई कुछ खास स्ट्रेटेजीज हमारी मदद कर सकती हैं, जो कि हैं आइडेंटिफाई। पहला कदम है ये पहचानना कि आप किन तरीकों से खुद का नुकसान कर रहे हैं। इसके लिए अपने थॉट्स और आदतों पर ध्यान दीजिए। अंडरस्टैंड द रीजन, ये आत्म विनाश की आदतें कहां से आती हैं, ये समझने की कोशिश करें। शायद ये किसी पास्ट एक्सपीरियंस का नतीजा हो या फिर किसी डर की वजह से हो सकता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से सख्त लेकिन पॉजिटिव बातें करें। अपनी कमियों को एक्सेप्ट कीजिए लेकिन खुद को नीचा ना दिखाइए। टेक स्मॉल स्टेप्स, बड़े बदलाव एक झटके में नहीं आ सकते, इसलिए छोटे छोटे कदम उठाएं और धीरे धीरे अपनी आदतों को बदलें। फॉरगिव योरसेल्फ, हर कोई गलती करता है, इसलिए जरूरी है कि आप खुद को माफ करना सीखें। गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। चलिए अब एक एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए रिया एक राइटर बनना चाहती है, पर वो अक्सर ये सोचकर लिखना शुरू नहीं करती कि उसकी लिखी हुई चीजें अच्छी नहीं होंगी। कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर समय बिताने का बहाना बना लेती है। रिया को सबसे पहले ये पहचानना होगा कि किन तरीकों से आत्म विनाश का शिकार हो रही है। वो लिखने में देरी करती है और खुद पर शक करती है। इसके बाद रिया को ये समझने की कोशिश करनी होगी कि ये आदतें कहां से आ रही हैं। शायद बचपन में किसी ने उसकी लिखी हुई चीजों को नकार दिया था, या फिर वो फेलियर के डर से खुद को रोक लेती है। अब रिया पॉजिटिव सेल्फ टॉक की मदद ले सकती है। वो खुद से कह सकती है, शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, पर मैं प्रैक्टिस करूंगी और बेहतर लिखना सीखूंगी। हर रोज छोटे छोटे गोल सेट कर सकती है, जैसे कि आज मैं 15 मिनट तक लिखूंगी। धीरे धीरे ये छोटे कदम उसकी आदत बन जाएंगे। साथ ही गलती होने पर खुद को माफ करना भी जरूरी है। हर रोज कुछ न कुछ नया सीखते हुए रिया अपनी आत्म विनाश की आदतों को तोड़ सकती है और एक सफल लेखिका बनने का अपना सपना पूरा कर सकती है। दोस्तों, ये सिर्फ एग्जाम्पल था। आप भी अपनी आत्म विनाश की आदतों को पहचान कर और इस एपिसोड में बताई गई स्ट्रेटेजीज को अपना कर उन्हें हरा सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं सेल्फ कंट्रोल के लिए हमें अपने अंदर कौन सी 6 हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए। दोस्तों, ये 6 आदतें वो पिलर्स हैं जिन पर आप अपनी सफलता की इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो आइए इन आदतों को जानते हैं। सबसे पहली आदत, सेट क्लियर गोल्स। आप क्या हासिल करना चाहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए अपने गोल को क्लियर फॉर्म में डिफाइन करिए और उन्हें छोटे छोटे गोल्स में बांट दीजिए। दूसरी आदत है क्रिएट एन एक्शन प्लान। सिर्फ गोल सेट करना ही काफी नहीं है, आपको एक ऐसा एक्शन प्लान बनाना होगा जो आपको आपके गोल तक पहुंचाए। इस प्लान में वो सारे स्टेप्स शामिल करिए जो आपको हर रोज मोटिवेट करते हैं। अगली आदत है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, सेल्फ कंट्रोल मजबूत करने के लिए ये बहुत जरूरी है। अपने समय की सही प्लानिंग करिए और उसे पूरा करने की कोशिश करिए। जरूरी कामों को प्रायोरिटी दीजिए और टाल मटोल करने की आदत से बचिए। चौथी आदत है सेल्फ अवेयरनेस। खुद को और अपनी भावनाओं को समझना आत्म संयम का एक अहम हिस्सा है। अपने विचारों और आदतों को ध्यान दीजिए। कौन सी चीजें आपको लालच देती हैं या आप किन परिस्थितियों में कमजोर पड़ जाते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। आत्म जागरूकता आपको ये बताएगी कि आपको किन जगहों पर ज्यादा मेहनत करनी है। पांचवी हैबिट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। दोस्तों, तनाव न सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को खराब करता है बल्कि हमारे आत्म संयम को भी कमजोर कर देता है, इसलिए ये जरूरी है कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट की
कुछ टेक्निक सीखें, योग, ध्यान, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइजेस या फिर कोई भी शौक जो आपको पसंद हो उसे अपनाइए। इसके बाद लास्ट आदत है पॉजिटिव थिंकिंग। कठिनाइयों का सामना करते समय सकारात्मक बने रहना बहुत जरूरी है। अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। हर असफलता को सीखने का मौका समझें और हार मानने के बजाय वापसी करिए। ये सकारात्मक सोच आपको मुश्किल परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखेगी। तो दोस्तों, ये थी वो 6 आदतें जिन्हें अपनाकर आप अपना सेल्फ कंट्रोल मजबूत बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि आदतें रातों रात नहीं बनती, इनको अपनाने के लिए लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि थकान या कम एनर्जी होने पर गोल पर फोकस करना कितना मुश्किल हो जाता है? मन चाहे खाने की चीजों के लिए लालच बढ़ जाता है या फिर जरूरी कामों को टालने का मन करता है। ये सब इसी बात का सबूत है कि एनर्जी का लेवल सीधे तौर पर हमारे सेल्फ कंट्रोल को अफेक्ट करता है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी एनर्जी का सही मैनेजमेंट कैसे करें। बुक में ऑथर ने इसके लिए बहुत सिंपल तरीके बताए हैं, जैसे कि गेट इनफ स्लीप। नींद पूरी ना होने से न सिर्फ आपका शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है बल्कि आपका दिमाग भी थका हुआ रहता है। इसलिए हर रोज 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। ईट हेल्दी डाइट। जंक फूड खाने से आपको भले ही थोड़ी देर के लिए एनर्जी का झटका मिलता है पर यह लंबे समय में आपके लिए नुकसानदायक है। इसलिए बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस फूड लीजिए जो आपको दिन भर एनर्जेटिक बनाए रखे। ड्रिंक वाटर। शरीर में पानी की कमी से भी थकान और कमजोरी महसूस होती है, इसलिए दिन भर में सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी पीते रहिए। दोस्तों, एनर्जी मैनेजमेंट के साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइजेस भी सेल्फ कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी है। ये करने से न सिर्फ आपका शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि ये आपके दिमाग को भी तेज करता है और तनाव को भी कम करता है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आप ज्यादा फोकस्ड और गोल पर कॉन्सेंट्रेटेड रह पाते हैं। लेकिन सिर्फ एनर्जी और एक्सरसाइजेस ही काफी नहीं है, हमें यह भी सीखना होगा कि खुद को आराम देना है। पूरे दिन काम करने के बाद दिमाग को आराम देना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप जल्दी थक जाएंगे और आपका सेल्फ कंट्रोल कमजोर पड़ जाएगा। याद रखिए, एक हेल्दी बॉडी और माइंड ही आपको सफलता की राह पर ले जा सकता है।